नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। 11 नवंबर 2021 क्या कहते हैं आपके सितारे। शुरुआत करते हैं राशिफल की। संक्षिप्त पंचांग से सूर्योदय होगा 6:39 सुबह, सूर्यास्त 5:28 पर, तिथि है सप्तमी, नक्षत्र है श्रवण, वार गुरुवार, पक्ष शुक्ल पक्ष, चंद्र राशि मकर, अभिजीत मुहूर्त 11:42 AM से लेकर 12:25 PM तक, राहुकाल 1:25 PM से लेकर 2:46 PM तक। आज आपका जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, तो ढेरों शुभकामनाएं। मेष राशि, आज आप अधिक धन कमाएंगे, अपने सपने पूरे कर पाएंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। आज आप अपने जीवन साथी के साथ रोमांटिक होंगे, भाई बहनों का साथ और सहयोग प्राप्त होगा, भविष्य के लिए फिक्स डिपॉजिट वगैरह करा सकते हैं, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, सेहत का ध्यान रखिएगा, मसाले वाले भोजन मत खाइएगा, भोजन पर ध्यान दीजिए, परिणाम अच्छे आपको मिलते चले जाएंगे। अपने जीवन साथी के साथ आज आप खुशियां मनाएंगे, सभी का तालमेल एक साथ होगा, कहीं से कोई उपहार भी मिल सकता है। बात करेंगे वृषभ राशि की। आज आपके अधिकारों में, सम्मान में, आपकी कीर्ति में वृद्धि होगी, सभी लोगों का सहयोग मिलेगा, आपके बड़े अधिकारियों का, आपके सहकर्मियों का सहयोग आपके साथ होगा, लोग आपके काम की तारीफ करेंगे, आपका व्यवसाय बहुत अच्छा होता चला जाएगा, आप बच्चे जो पढ़ाई करने वाले हैं बढ़िया पढ़ाई कर पाएंगे, जीवन साथी के साथ रिश्ते बेहतर बने रहेंगे, बच्चों के व्यवहार से प्रसन्न नहीं होंगे लेकिन पढ़ाई लिखाई बच्चों की नंबर वन रहेगी, बच्चों की सेहत का भी ध्यान दीजिएगा, आपकी आमदनी आज बढ़ेगी, आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है, व्यापार में कई गुना अधिक वृद्धि होने वाली है, गीत संगीत में रुचि बढ़ेगी, टीवी वीडियो वगैरह आप देखते रहेंगे। आज आप अपनी खुशी जाहिर करेंगे लोगों के साथ, एक अच्छा वक्त रहेगा, प्यार इश्क मोहब्बत बढ़िया रहेगा, जीवन साथी से भी बढ़िया मुलाकातें और बातें होती रहेंगी, भविष्य में कुछ अच्छे फायदे होंगे जिनके संकेत आज आपको मिल जाएंगे, दिन बढ़िया है। मिथुन राशि, आज आपको सफलता प्राप्ति का दिन है, जीवन साथी के साथ आप उन्नतिशील मार्गों पर अग्रसर रहेंगे, विद्यार्थी पूरी एकाग्रता और आत्मविश्वास के साथ अध्ययन कार्य में लगे रहेंगे, जीवन साथी से रिश्ते मधुर बने रहेंगे, प्रेमी प्रेमिका को मिलने का अवसर प्राप्त होगा, समय शेयर मार्केट सट्टेबाजी से पैसा कमाने का भी है, सफलता प्राप्त होगी, समझदारी दिखाइएगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, प्रसन्न रहेंगे, दोस्तों भाइयों का सहयोग मिलेगा, अचानक से कोई खास काम आपको करना पड़ सकता है, आज एक ही काम को दोबारा करने से थोड़ी निराशा हो सकती है, आज बहुत सारे फैसले आपके फेवर में होंगे, परिवार की जरूरतों को आप पूरा कर पाएंगे, काम काज बेहतर रहेगा, अधिकारी या आपके बॉस या आपके साथ काम करने वाले लोग आपकी तारीफ जरूर करेंगे, दिन बढ़िया है, धन लाभ भी होगा। कर्क राशि की बात करेंगे, आज आप बहुत दिनों से रुके हुए काम पूरे कर पाएंगे, बहुत दिनों से रुका हुआ धन प्राप्त कर पाएंगे, शेयर मार्केट सट्टेबाजी से लाभ होगा, धन का निवेश बढ़िया कर पाएंगे, श्रेष्ठ परिणाम मिलने से प्रफुल्लित होंगे, जरूरतमंद लोगों की सहायता करेंगे, वाहन इत्यादि चलाते वक्त सावधानी रखें, कोई दुर्घटना घट सकती है, जल्दबाजी में भावुकतावश कोई भी निर्णय ना लीजिएगा, नहीं तो तकलीफ हो सकती है, आज दोस्तों और रिश्तेदारों से आपके संबंध बढ़िया और मददगार बने रहेंगे, परिवार वाले लोग आपके मददगार साबित होंगे, आज आप अपने हुनर के प्रदर्शन से बहुत लोगों को प्रभावित करने वाले होंगे, परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा, खुशियों का वातावरण रहेगा, गर्म जोशी से मेहमानों का स्वागत करेंगे, आत्मविश्वास की बढ़ोतरी आपके कामों को बना देगी, भूमि भवन और प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कामों में सफलता प्राप्त होगी। सिंह राशि की बात करें, परिवार के साथ पिकनिक मनाने जा सकते हैं, परिवार के साथ या मित्रों के साथ अच्छी बातचीत हो सकती है, विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, यह समय प्रेमी प्रेमिका के नजदीक आने का होगा, दिल की बात एक दूसरे से कहने का होगा, जीवन साथी को कोई उपहार दे सकते हैं, अपने स्वास्थ्य का समुचित ध्यान रखिएगा, किसी गुप्त रोग या किसी कमर के निचले हिस्से में कोई तकलीफ हो सकती है, कुल मिलाकर आनंद प्राप्ति का दिन है, सुख सुविधाएं बढ़ती चली जाएंगी, आलस को त्याग कर आगे बढ़ने का दिन है, अपने रुके हुए काम पर ध्यान दीजिएगा, सफलता आपको प्राप्त हो जाएगी, पारिवारिक जीवन में आज आप बहुत बढ़िया करने वाले हैं, व्यापारी लोगों को अच्छा मुनाफा होने की पूरी उम्मीद है, किसी से प्रेम करते हैं तो उसको अपने दिल का हाल बता सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियों के बाद सफलता प्राप्त होगी, विरोधियों पर शत्रुओं पर आप भारी पड़ेंगे। बात करेंगे कन्या राशि की। संतान की ओर से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, शेयर मार्केट सट्टे में लाभ होगा, विद्यार्थी अपने अध्ययन कार्य में व्यस्त और मस्त रहेंगे,
प्रेमी प्रेमिका से मिलने का मौका मिलेगा, आपके व्यवहार से व्यापार बढ़ेगा, जीवन साथी से संबंध उत्तम है, दिन खुशियों भरा रहेगा, आपका ध्यान अध्यात्म और धार्मिक गतिविधियों में लगा रहेगा, आपके अटके हुए पैसे फंसे हुए पैसे वापस मिलने की संभावना है, सरकारी काम बनेंगे, सरकारी एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं तो गुड न्यूज या अच्छी खबर मिल सकती है, परिश्रम थोड़ा अधिक होगा लेकिन सफलता भी शानदार होगी, संतान सुख की प्राप्ति होगी, रिश्तों में प्यार बढ़ेगा। तुला राशि की बात करें तो आज का दिन प्रसन्नतादायक रहेगा, बच्चों से शुभ समाचार प्राप्त होंगे, प्रेम संबंधों में सफलता प्राप्त होने की पूर्ण संभावनाएं हैं, कोई नया प्रेम संबंध स्थापित होने की संभावना है, दिल कहीं जुड़ सकता है, पूरी ईमानदारी और बुद्धिमत्ता से आप काम करते हुए निष्ठापूर्वक काम करते हुए आगे बढ़ेंगे, आज का दिन जुए और शेयर मार्केट और सट्टेबाजी में निवेश करके बड़ा लाभ कमाने का है, विद्यार्थी एकाग्रता से अपने अध्ययन कार्यों में लगे रहेंगे, व्यापारियों को आज नए उद्योग लगाने में ऊर्जा लगेगी, नौकरी करने वाले लोगों की उन्नति होने की संभावना है, अपना ध्यान आपके काम पर लगा रहेगा, घर परिवार पैसे पर आपका ध्यान लगा रहेगा, आप मौके का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, आपके सारे काम आसानी से आज बनते चले जाएंगे, तुला राशि वालों के लिए बढ़िया दिन है, काम 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 और काम की व्यस्तता के बावजूद भी परिवार वालों के साथ वक्त बिताएंगे और काम की व्यस्तता के साथ भी अपनी जीवन साथी और अपने प्रेम संबंधों पर पूरा वक्त देंगे, दिन बहुत ही बढ़िया बीतने वाला है, आनंद में वक्त बीत जाएगा। बात करेंगे वृश्चिक राशि की, आज आपका दिन बहुत ही प्रसन्नतादायक है, खुशियों भरा है, उल्लास और बढ़िया तालमेल के साथ आज आप गुप्त धन प्राप्त करेंगे, आज आप मकान प्लॉट इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो आपको सहयोग ईश्वर का भी मिलेगा, माता पिता का भी मिलेगा, जीवन साथी का भी मिलेगा और धन प्राप्त होगा, विद्यार्थी अपनी एकाग्रता खो सकते हैं, बच्चे आज नटखट होंगे, महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बन रही है, गाड़ी वगैरह धीरे चलाइएगा, नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति और आपका घर बनाने का सपना पूरा हो सकता है, व्यापार के क्षेत्र में बड़ी सफलताएं मिलेंगी, व्यापारिक दृष्टिकोण और पारिवारिक दृष्टिकोण से अचानक खुशियां आपके दरवाजे पर आने वाली हैं, बहुत ही बढ़िया रहेगा आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए, प्रेम संबंध भी बहुत ही बढ़िया है, संतान से थोड़ी सी दिक्कत होगी लेकिन संतान का सुख भी मिल जाएगा दिन खत्म होते होते तक। धनु राशि की बात करें तो मेहनत करने का दिन है, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है, आप अपनी हिम्मत के अथक प्रयासों से अपने कार्यों में सफल होंगे, आपकी सफलता आज मेहनत के साथ आएगी, बच्चों का शुभ और अच्छा व्यवहार आपकी जो तकलीफों को कम करेगा, किसी नए व्यापार में निवेश करने के लिए दिन शुभ नहीं है, पैसे को संभाल कर रखें, मेहनत धीमे धीमे सफल होगी, काम धीमे धीमे सफल होगा, जल्दी आपको मुसीबतों से परेशानियों से राहत मिल जाएगी लेकिन थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, कोई नया काम शुरू करना है तो बहुत सोच समझ कर करिएगा, दाम्पत्य जीवन सामान्य से बेहतर रहेगा, थोड़ा सा संभल कर रहेंगे धनु राशि वाले तो बेहतर दिन बिता पाएंगे। बात करते हैं मकर राशि की, आज का दिन निवेश के लिए बढ़िया है, संग्रह के लिए बढ़िया है, कुछ चीजें जोड़ पाने के लिए बढ़िया है, उत्तम दिन है, परिवार में मेहमानों का स्वागत करिए, मेहमानों के आशीर्वाद से दिन और अच्छा बीतेगा, आपकी वाणी मनमोहित करने वाली होगी, किसी का भी दिल जीत लेंगे, किसी विरोधी से तनाव दूर होगा, शत्रु मित्र बनेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा खत्म होगा, सफलता अवश्य मिलेगी, अच्छा दिन रहेगा, बिजनेस में बढ़ोतरी होगी, तेज दिमाग से काम करते चले जाएंगे, साझेदारी बहुत बढ़िया होती चली जाएगी, ऑफिस में कोई नया काम आपको मिल सकता है, करियर में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, मान सम्मान में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई पड़ेगी, तरक्की के नए रास्ते मकर राशि वालों को जरूर मिलेंगे। कुंभ राशि की बात करें, आज पूर्णता का दिन है, एक अच्छा दिन है, विद्यार्थी एकाग्रचित होकर अध्ययन करेंगे, व्यापारी लोग व्यापार में अपने कार्य को बहुत अच्छी तरीके से प्रदर्शित कर पाएंगे, नौकरी करते हैं तो अधिकारी संतुष्ट रहेंगे, घर परिवार के लोग संतुष्ट रहेंगे, जीवन साथी से आपके संबंध मधुर बने रहेंगे, आपको परिवार का पूरा साथ और सहयोग प्राप्त होगा, खुशखबरी मिलेगी, रुके हुए काम निपट जाएंगे, रोजमर्रा के कामों में फायदा होगा, सामाजिक कार्यों में सफलता मिलेगी, खासकर आपके रिश्तों में अच्छे संबंध बनेंगे, सभी लोग आपसे खुश रहेंगे, दोस्तों के साथ मिलकर मौज मस्ती होगी। बात करेंगे मीन राशि की, अंतिम राशि है 12वीं राशि मीन और स्वामी होते हैं गुरुदेव, तो आपका आज उत्साह वर्धन किए जाने का दिन है, लोग आज आपको नीचा गिराएंगे, सही काम को भी गलत बोल देंगे, खर्चे बढ़ेंगे, खाने पीने के मामले में सावधान रहें, आर्थिक नुकसान हो सकता है, जीवन साथी नाराज हो सकता है, अन्य बेकार की गतिविधियों में पैसा और वक्त खराब होगा, व्यापारियों और कारोबारियों पर आज कुछ नया ऑर्डर भी मिल सकता है, मेहनत का उचित फल
धीमे धीमे मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपकी कार्य प्रणाली में आपको बदलाव करने की आवश्यकता होगी, पुराने तरीकों को बदल कर नए तरीकों की अपनाने की आवश्यकता होगी। काम आप करें और शाबाशी कोई और ले जाए, ऐसा भी हो सकता है। विदेश के सिलसिले में कोई बातचीत आज हो सकती है, जाने आने के बारे में या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के बारे में। रोमांस करने का दिल करेगा लेकिन सामने से साथी का सहयोग नहीं मिलेगा। कुछ क्षेत्रों में दिन बढ़िया और कुछ में खराब कहा जाएगा, तो थोड़ा संभल के रहेंगे तो बेहतर रहेगा मीन राशि वाले। ये था 12 राशियों का राशिफल। उम्मीद करता हूँ आपने अपनी राशि के बारे में जाना, अगला दिन कैसा होगा एक उसका रूपरेखा, एक उसका संकेत आपको मिल गया। बाकी आप संभल के रहिएगा, कोई गलती मत करिएगा ताकि आपका दिन बहुत बेहतरीन तरीके से बीते। हनुमान जी की उपासना करते रहिए, हनुमान जी की उपासना में वो शक्ति है जो सभी प्रकार के कष्टों को दूर कर देती है। और हनुमान जी की उपासना यानी कि हनुमान चालीसा व्यक्ति बैठ कर भी कर सकता है, लेट कर भी कर सकता है, खड़े होकर भी कर सकता है, गाड़ी में भी कर सकता है, स्कूटर में भी कर सकता है, ऑफिस में भी कर सकता है, हवाई जहाज में भी कर सकता है, कहीं पर भी। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो का मतलब है कोई भी छोटा बड़ा बच्चा कहीं पर भी। सिद्ध साक्षी गौरी सा, ध्यान से इस लाइन को सुनिएगा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा सिद्ध साक्षी गौरी सा, यानी कि हनुमान चालीसा अपने आप में सिद्ध है और साक्षी कौन है, भगवान शिव। साक्षी गौरी सा कौन होते हैं, शिव, यानी शिव जी कह रहे हैं कि जो यह पढ़े, ऐसा नहीं बोला गया कि औरत पढ़े, आदमी पढ़े, मंदिर में पढ़े, घर में पढ़े, आंगन में पढ़े, छत पे पढ़े, लेट के पढ़े, बैठ के पढ़े, जो ये पढ़े जैसे भी पढ़े और उसको अच्छा फल मिलेगा। और साक्षी कौन है, भगवान शिव। कई बार महिलाएं एक प्रश्न करती हैं कि क्या हम हनुमान जी के मंदिर जा सकते हैं, महिलाएं ये प्रश्न करती हैं क्या हम हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, तो मैं एक बार फिर से आपके सामने ये लाइन पढ़कर बताता हूं। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो का मतलब हो गया चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो चाहे कोई और हो, तो जो में सब आ गए, सब आ गए, सब लोग। अगर भगवान को लिखना होता या भगवान को कहना होता कि महिला पढ़े ये हनुमान चालीसा या पुरुष पढ़े ये हनुमान चालीसा, ऐसा नहीं कहना, जो में तो आप और मैं सब आ गए, महिला हो चाहे पुरुष हो। तो अपने मन से भ्रम निकाल दीजिए, मन से ये भ्रम निकालिए, आप महिला हो चाहे पुरुष हो कोई भी पढ़ सकता है, कहीं पर भी पढ़ सकता है। हनुमान चालीसा के बारे में एक और बहुत अच्छी बात है जो आप लोग जानते ही होंगे कि जब हमको लगता है कि रात में कभी हमको डर लगने लगता है तो हम बिस्तर पर ही पढ़ने लगते हैं, इसका कोई नियम नहीं है, जब मन चाहे पढ़ लीजिए। कहते हैं ना रात में जा रहे हैं और लगा कि कोई संकट आ रहा है तो आदमी हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देता है, उस समय ना मंदिर होता है, ना फूल होती है, ना माला होती है, ना प्रसाद होती है, ना जुबान पे हनुमान चालीसा होती है। तो जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साक्षी गौरीसा, तो जहां पर भी जिस अवस्था में भी आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे आपको ईश्वर की कृपा मिलती चली जाएगी। तो इसलिए हनुमान जी को याद करना सबसे बड़ा मंत्र है। हरि ओम, नमस्कार।